बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लुटेरे अनूप के पैर में गोली लगी है। इस दौरान पुलिस ने लूट का 11,000 रुपये व अवैध असला बरामद किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज थाना नगर क्षेत्र में करीब सुबह 6:15 बजे के आसपास में एक हमारी SOG टीम और थाना नगर की टीम पिछले 8 तारीख को एक घटना हुई थी लूट की, जिसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र से 3 लोगों के द्वारा तमंचा दिखा के और करीब 35,000 रुपया ग्राहक सेवा केंद्र से दिन में करीब 12 बजे के आसपास में लूट लिया गया था। उसी की तलाश में हमारी SOG टीम है और जो हमारी थाना नगर की टीम है, ये लगातार काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति के आने की, इसको सुबह जो कूड़ापट्टी क्षेत्र है जो नगर का, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको पुलिस ने रोका और नहीं रुका तो फिर पुलिस ने उसके ऊपर फायर किया, जिसमें उसके पैर में दाहिनी जांघ में गोली लगी, दाहिने पैर में। और जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम अनूप उर्फ मंगल सिंह बताया, जो कि ये गायघाट थाना महुली क्षेत्र का रहने वाला है। और थाना महुली में भी अभी कुछ दिन पहले एक मोबाइल की घटना हुई थी, मोबाइल लूट की घटना हुई थी नाथनगर क्षेत्र में, उसमें भी ये वांछित बताया जा रहा है। और करीब इसके ऊपर पूर्व में भी करीब 17-18 मुकदमे रहे हैं और बाकी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आज इसके पास से एक जो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी पल्सर बाइक ब्लैक कलर की, वो बरामद हुई है। इसके अलावा 11,700 रुपये इसके पास से बरामद हुआ है, एक 315 बोर का तमंचा इसके पास से मिला है और 2 जिंदा कारतूस भी इसके मिले हैं। और 2 इसके पास से मोबाइल मिले, एक इसका है और एक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो इसका उसने जब चोरी किया या उससे भी लूटा गया है। ये 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुए हैं और अभी इसको यहाँ पे जिला अस्पताल में लाया गया है, जहाँ पर इसका उपचार किया जा रहा है। और अभी जो अभियुक्त है उसकी हालत स्वस्थ, सिपाही भी कोई घायल हुआ इसमें? थाना नगर के हमारे एक जो सिपाही है आनंद दुबे, उनको भी चोट लगी है, उनका भी उपचार कराया।